चेक दिस ब्यूटी एंड इट्स अमेजिंग। ये हमारा बर्थडे बॉय, विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। क्या ऑर्डर किया? पराठे और चाय। और हमारे बीच एक जो योद्धा है उसकी तो हालत ज्यादा खराब हो रखी है। ये देखो, इनके टेंट में पूरी फैसिलिटी है। सी, उधर डबल बेड लगा हुआ है और इधर सिंगल सिंगल बेड लगे हुए हैं। इस टेंट का जो प्राइस है, मतलब उन्होंने बताया था 1200 पर पर्सन। फुल कर दो यार, 39 लीटर है। ठीक है जी, लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? सो टुडे वी आर गोइंग टू चोपटा, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, एंड यू कैन से हाईएस्ट टेंपल ऑफ महादेव। और वहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है, तो मैंने सोचा चलते हैं, बड़े दिन हो गए थे कहीं निकले हुए। एंड आज हमारे साथ 3 और नौजवान हैं, जिसमें से कि इसका बर्थडे है, ये जो वीडियो बना रहा है। सो से हाय। और पीछे 2 लोग बैठे हुए हैं, साहिल और एक ये है कालूडोन। और बस हम लोग निकल रहे हैं अभी, और 7.5 घंटे दिखा रहा है यार ये नेविगेशन पे ना, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि वीकेंड है और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि रश वगैरह मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और लेट्स सी, वेदर जो है बहुत प्लेजेंट हो रखा है, मतलब ठंडा ठंडा हो रखा है। अभी तो हम हाफ टी शर्ट्स में हैं, बट मुझे पता थोड़े टाइम बाद हमें ठंड लगने स्टार्ट हो जाएगी। सो यार, हम कल रुड़की आए थे एंड यहाँ पे हमारी नानी का घर है, तो हमने सोचा कि एक स्टॉपेज जो है वो यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट चंडीगढ़ से या दिल्ली से आप आ रहे हो ना, तो आपको बीच में कहीं ना कहीं स्टॉपेज लेना ही पड़ेगा, लाइक हरिद्वार या फिर ऋषिकेश, तो वो भी सही जगह है। बट हमारे पास ऑप्शन था स्टे करने का, तो हमने इसीलिए कल स्टे किया। हम कल रात आ गए थे एंड अब सुबह निकल रहे हैं। टाइम हो रहा है 7:40, तो देखते हैं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 8 to 9 hours लगेंगे, क्योंकि नेविगेशन पे ऑब्वियसली थोड़ा कमी दिखाता है। एंड लेट्स सी, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर है, और अभी 262 किलोमीटर्स दिखा रहा है, तो वही है कि सपोज़ करो चंडीगढ़ से रुड़की या हरिद्वार आपको 4 घंटे लगते हैं, वही दिल्ली से भी सेम लगता है। और ड्राइव करने वाला आज मैं ही हूँ। तो देखते हैं कि कितना टाइम होता है एंड लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली वी रीच्ड ऋषिकेश, और हम ऋषिकेश की मेन मार्केट में हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा रश हो रखा है। अभी पीछे जो हरिद्वार से निकले थे ना, एक पुलिया आती है भाई, इतना ज़्यादा रश हो रखा था, तो 15 से 20 मिनट हमें वहाँ लगे हैं। एंड अभी भी आप देख सकते हो कि रोड पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। और इधर से बाहर निकलते हैं, और ये नेविगेशन पे अब दिखा रहा है 6 घंटे 10 मिनट, और उस टाइम दिखा रहा था 6:30 घंटे अप्रॉक्स ना, 6 घंटे 35 मिनट दिखा रहा था। तो बट हम लोगों को हो चुका है, 45 मिनट्स हो चुका है हरिद्वार से निकले हुए, तो यार रश की वजह से थोड़ा टाइम लग गया। एंड आई होप कि आगे हमें रश ना मिले, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे, तो मतलब वीकेंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे ना ऋषिकेश में। बट लेट्स सी कि आगे कितना मिलने वाला है हम लोगों को। एंड यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं, कुछ खाना पीना तो नहीं है यार किसी को? नहीं अभी नहीं। चलो फिर तो ठीक है, थोड़ा आगे रोक लेंगे, है ना। सो गाइस, अभी हम लोगों ने ब्रेक लिया और थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करेंगे, देन उसके बाद निकलेंगे। और हम अभी पहुंच रखे हैं, ये बद्रीनाथ रोड 3 धारा करके है, तो यहाँ पे काफी सारे ढाबे हैं, पीछे दिखाता हूँ आपको। सी, तो ऑप्शन काफी मिल जाएंगे आपको खाने के ना बीच में, और पेट्रोल पंप वगैरह भी काफी रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो टैंक है वो फुल है, और बस खा पी के निकलेंगे और देखते हैं कितना टाइम लगता है। होप सो जल्दी पहुंच जाए। क्या ऑर्डर किया? पराठे और चाय। ये देखो, ये हमारा बर्थडे बॉय, विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। स्टाइल तो दिखा दे। दिखा दिया तो भाई, पराठे आ गए अंकल। अंकल जी, We'll be right back.
सो फाइनली गाइज वी रीच्ड और चार बज चुके हैं, मतलब सुबह से चले हुए हैं और एक ही ब्रेक लिया था हम लोगों ने ना, तो आधे किलोमीटर आगे तुंगनाथ का ट्रैक है वो स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे ना मतलब यार होम स्टेज वगैरह थे बट अवेलेबल नहीं है इस टाइम, तो हम सोच रहे हैं कि हम अभी नीचे जाएंगे एंड लेट्स सी कि क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि कैंपिंग वगैरह हो रही थी नीचे, मतलब कैंप्स वगैरह लगे हुए थे एंड लेट्स सी चेक दिस ब्यूटी एंड इट्स अमेजिंग भाई, इतना मतलब इतना ज़्यादा सही लग रहा है ना व्यू, बहुत सही सी भाई, बहुत ज़्यादा। और कल सुबह हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी तो चार बज चुके हैं और हमारी हालत जो है वो थोड़ी हो चुकी है ख़राब, और हमारे बीच एक जो योद्धा है उसकी तो हालत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, ये देखो। ड्राइव मैंने अकेले नहीं करी है तो इसलिए यार मैं भी थोड़ा सा, मैंने कहा रेस्ट चाहिए, अदरवाइज अगर टाइम होता तो हम आज ही स्टार्ट करते, बट ये है कि लेट हो जाता एंड सी द ब्यूटी, बहुत ज़्यादा सही लग रहे हैं भाई। और इधर टेम्परेचर हो रखा है अभी 9 degrees, मतलब कपड़े डालने पड़ेंगे अभी, हम अभी तो जोश जोश में हाफ शर्ट में, ये देखो ये मेरे जैसा लग रहा होगा, ये भाई है मेरा छोटा, ठीक है, पहले हाथ में क्या भी छाती में भी सब हर जगह लगेगी। देखते हैं नीचे चलते हैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, और ट्राई करते हैं कैंप्स वगैरह मिल जाए हम लोगों को ना, और वहीं पे स्टे करेंगे एंड कुछ खा पी भी लेते हैं, ज़्यादा कुछ खाया नहीं, चिप्स वगैरह खाए थे हम लोगों ने ना, और सीधा हमने चढ़ाई चढ़ दी। तो गाइस फाइनली हमने टेंट लिया है और यहाँ पे तुंगनाथ ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो वहाँ से 2 kilometers हम आगे गए थे बट वहाँ पे भी कोई ऑप्शंस नहीं थे, बट समाओ हमें तुंगनाथ ट्रैक की जो स्टार्टिंग है उसी के पास हमें ये टेंट का ऑप्शन मिल गया, और यहाँ पे चाय की फैसिलिटी भी है और खाने पीने की भी है। देखो भैया जो है चाय ले आए, हेलो बोल दो यार, हेलो भाई, हेलो शर्मा रहा भाई, चलो यार चाय चाय पी लो एंड टेंट का जो ऑप्शन है बहुत सही है, भैया का नंबर दे दूंगा मैं, तो जब भी आपको आना हो एडवांस बुकिंग करवा सकते हो या फिर आप यहाँ पे आके भी बुक कर सकते हो, राइट, सो बहुत सही है। और ये कुछ टेंट है तो चार लोगों के लिए डबल, क्या नाम एडवेंचर क्या है, स्नो एडवेंचर टेंट का नेम है, तो आप खुद सर्च कर लेना या मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगा। और इनके टेंट में पूरी फैसिलिटी है, सी उधर डबल बेड लगा हुआ है और इधर सिंगल बेड लगे हुए हैं, क्योंकि हम चार लोग थे और पूरा अपना रजाई रजुई पूरा ब्लैंकेट ब्लूंकेट सब ओके है और साफ सफाई ठीक ठाक ही है एंड इधर वॉशरूम भी है, तो लाइट वगैरह फुल अवेलेबल है वॉशरूम में, सी तो लाइट इधर भी आ रही है। और भैया चाय लेकर आया है हमारे लिए और थोड़ी देर में हम लोग डिनर करेंगे, उसके बाद सोएंगे एंड कल सुबह हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे, तो काफ़ी मज़ा आया एंड कोल्ड हो रहा है क्योंकि अभी 8 degrees टेम्परेचर हो रखा है यहाँ पे ना, तो काफ़ी ठंडी हो रही है, तो विंटर्स के क्लोथ्स कैरी ज़रूर करना जब भी यहाँ आने का प्लान बने, दिन में गर्मी ज़्यादा हो सकता है उसकी वजह से आपको लगे बट कैरी ज़रूर करना क्योंकि रात को काफ़ी ठंड होती है, और सुबह उठकर यहाँ से क्या व्यू आएगा वो मैं आपको सुबह ही बताऊँगा। और इस टेंट का जो प्राइस है, मतलब उन्होंने बताया था 1200 पर पर्सन विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट, बट हमने नेगोशिएट किया तो उन्होंने हमें 1000 rupees का टैरिफ दे दिया पर पर्सन के लिए, डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, और तो मुझे लग रहा है ठीक है वर्थ है, बट बॉनफायर के लिए अलग से चार्जेस मांग रहे हैं 100 rupees पर पर्सन, तो वो भी देखते हैं अभी क्या सीन है, तो चाय चाय पीता हूँ नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी एंड डिनर करके मिलते हैं फिर आपसे। सो यार डिनर करने बैठे हैं हम लोग ना, और डिनर में ऑप्शन है दाल राइस चपाती एंड आलू बीन की सब्जी, तो खाना जो है ठीक है, न्यूट्रल है, मसाले वगैरह नहीं है, तो सिंपल सादा खाना है, बढ़िया, पेट खराब नहीं होगा, ट्रैकिंग आराम से करेंगे, गाने चला रखे हैं, कॉपीराइट का सीन ना पड़ जाए, तो अभी मैं वीडियो को यहीं पर बंद कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना कल की हमारी ट्रैकिंग के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमारा काइंड ऑफ फर्स्ट है, नॉट फर्स्ट सेकंड है, क्योंकि एक हमने जॉर्ज आर्गस वाला भी मिनी ट्रैक किया था एंड ये हम सब चार लोगों का, एक को छोड़कर साहिल को छोड़कर, साहिल ने ऑलरेडी 2 tracks किए हुए हैं और इन बच्चों का फर्स्ट ट्रैक है, तो देखते हैं किसकी हालत कल खराब होती है, सो प्लीज स्टे ट्यून एंड गुड नाइट।